हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का एक नया फ्रेश व्लॉग आप सबके खिदमत में हाजिर है। तो भाई आज मैं जा रही हूँ लाहौर के बहरिया टाउन अपनी फ्रेंड के घर डे स्पेंड करने, तो आए चलते हैं। सो हेयर वी एंटर्ड बहरिया टाउन लाहौर, और बहुत अच्छा यहाँ का हॉर्टिकल्चर लैंडस्केप डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है, मुझे बड़ा मज़ा आया। कराची का बहरिया टाउन भी इस लिहाज से बड़ा अच्छा मैनेज्ड है, उसका भी लैंडस्केप डिज़ाइनिंग बहुत खूबसूरत है। तो ये है जी मेरी एक दस प्यारी सी गोची का दोस्त जिसकी तरफ मैं आई हूँ, और क्या कहते हैं, बड़े प्लान बनाती हैं हमेशा से कि प्रोफेसर है माशाल्लाह ये, और हम तो पता नहीं कुछ कर ही नहीं सके ज़िंदगी में। तो आए आपसे, आपको मिलवाते हैं अपनी प्यारी सी दोस्त से। हेलो, अब जो हमें देख रही है मेरी बहुत सारी म्यूचुअल फ्रेंड्स हो गएंगी कि तुम्हें मेरे से मिलने का टाइम नहीं मिला। तो हाँ जी, नहीं मिला क्योंकि ये करीब थी और रास्ते में मैंने बैरियर टाउन की बड़ी मज़े की वीडियो बनाई है। ऐसे लग रहा था कि पता नहीं मैं कराची से बत्तियाँ देखने आई हूँ। अच्छा वैसे जो कराची का बहरिया टाउन है, कराची का जो बहरिया टाउन है वो मतलब वो थोड़ा सा निकल के आए, लेकिन वो भी बहुत अच्छा है, उसका बड़ा अच्छा आउटलेट। तो मैं भाई एंट्रेंस से जो मैं वीडियो बनाना भूल गई, मुझे खुशी इतनी थी उससे मिलने की। मैं मतलब कितने साल बाद मिल रही हूँ, पता नहीं 7-6, हाँ कुछ 6-7 साल बाद हम मिल रहे हैं। और ये भी बेचारी मेरी तरह मस्कीन सी स्पीच थेरेपिस्ट है। ये जी ये प्रोफेसर हैं और ये इनका छोटा सा पीस है जो उड़हान से आगे पीछे ही मेरे सामने पहले हुआ था 2 मंथ्स पहले, है ना। वाइल माई फ्रेंड वॉज सर्विंग मी वेल विद हर डिलीशियस टी, तो मैं भी ज़रा अंदर आ गई किचन में उसके साथ गपशप लगाने। बड़ी मज़ेदार चाय उसने बनाई और बहुत एहतमाम किया हुआ था। अभी अभी हमने मज़ेदार सी बातें की और साथ साथ हमने चाय की प्रिपरेशन की, और नेक्स्ट स्लिप में हमने चाय को इन्जॉय किया। क्या हुआ केक? हाँ ये तो साइड पे आ गया यार, ये क्या हुआ? ये मैंने नाया मैडम को पकड़ाया हुआ था और उसकी ये भी उतर गई है ना। क्या ये देख रही है यहाँ पे? ये नाया ने कहीं झूले दिए हैं और इसके ऊपर वो जो कोकोनट था वो इधर ठुसा हुआ है। मैं इसको बंद करके ना फिर दूसरी जमे रख दे रख दे। बहुत ही मज़े का 2 फ्लेवर्स का पिज़्ज़ा, पास्ता, फिंगर स्टिक्स आई मीन चिकन स्टिक्स, चिकन समोसा और 3 मिल्क केक हमने जी भर कर खूब कसरें पूरी की, और उरहान ने भी मेरे साथ चाय को भरपूर इंजॉय किया। केक खिसक के अरे मैंने आपको पकड़ाया था ना, मैंने आपको पकड़ाया था ना। क्या है इसको? कहते हैं टाइम लैप्स, है ना? इसको टाइम लैप्स कहते हैं ना। आयरा वीडियो होने लगी है, आयरा की बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू फज़ाइला इन खतरनाक मॉमी मोड, है ना हमजा? आयरा बाजो यार, कटिंग दे। अरे नो नो, आंटी को दो, आपकी चाय निकल जाएगी। मेरी फ्रेंड अपनी उबलती हुई चाय को संभालने गई और यहाँ उरहान लिविंग हिज बेस्ट लाइफ। ये हमारे पास यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत सी पर्सनालिटी है, ये जिनसे मैं मिलवा ही नहीं सकी थी आपको, तो वो जो सेलिब्रिटी गेस्ट है, मैं जरा उनसे आपसे मिलवा लूँ। आप रेडी हैं कैमरे को फेस के लिए? तो जी ये एक और एक ये देखें, एक दुनिया से बेखबर एक बंदा खाने में मसरूफ जिसने अच्छे तरीके से खाना खाया था, मैं मजा आ रहा है ना। इनाया इज गोइंग टू कट हर प्री बर्थडे केक जो कि अक्टूबर में आनी है, और तकरीबन 6 महीने पहले तकरीबन 6 महीने पहले ही आया ये केक कट करना चाह रही है। ओके लेट्स स्टार्ट इट। हैप्पी बर्थडे एडवांस बर्थडे टू अनाया, टू अनाया। वैसे अनाया ये लगा के और इसके बगैर एक ही जैसी लगती हो तो चलो जी एक पीस तो दे हमें भी। फाइनली अनाया की
एक ऐसी वीडियो आ गई है जिसमें उसके नोज के ऊपर वो भी लगा हुआ है, वो मिस हो गया था वाकई वाकई ऐसे ही है। और ये हमने देखी कितनी खूबसूरती में इजाफा किया है फजाइला के घर में, मेरे बच्चों ने आके उफ़ल्ला फजाइला तुम बाद में मुझे सुनवाते ना सुनाना प्लीज। यम्मी यम्मी थ्री मिल्क केक, यम्मीएस्ट थ्री मिल्क केक। ओके यू वांट द हाफ, थैंक यू सो मच मिस फजाइला एहसान एपी रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, आपने इतनी पुरतकल्लुफ चाय का एहतमाम किया तकरीबन 7 साल बाद, 6 साल बाद। ऑलवेज वेलकम और बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ ले आई हैं इतनी सदियों में एक बार। और मुझे पता चला है मेरे आने से पहले आपने ज़रा थोड़ा लश्का पशका थोड़ा अपना आप सही किया कि यूट्यूबर आ रही है भाई, मुश्किल से कोई 1500 के करीब मेरे सब्सक्राइबर हैं। ना बिस्ती करें सर, ना बिस्ती करें। जब फ्रेंड आप यूट्यूबर हो तो फिर आपको जरा लिहाज रखना पड़ता है। वापसी पर जाते जाते माय फ्रेंड सजेस्टेड कि भाई बहरिया टाउन लाहौर आई और एफिल टावर ना देखा तो क्या देखा, तो अब जल्दी से लेकर आ गए बच्चों को एफिल टावर। बाहर बाहर से हमने इसको देखा, ऊपर जाने का टाइम नहीं था बिकॉज बच्चे भी साथ थे और मगरिब का टाइम हो रहा था, तो आई सजेस्टेड कि हम इसको किसी और दिन पर रखते हैं और टॉप से भी एफिल टावर का व्यू लेंगे। बच्चों ने थोड़ा सा यहाँ पर खेला, थोड़ा सा इन्जॉय किया, एक अच्छा दिन एक अच्छी दोस्त के साथ गुजरा और हम सब ने भी बहुत इन्जॉय किया। थैंक यू सो मच फजाइला फॉर होस्टिंग अस, अच्छी सी प्यारी सी हमें चाय पिलाने का, हाँ नहीं वो तो ऑब्वियसली मिलना ही था और बड़ा अच्छा लगा डे स्पेंड वेल। बाकी ये कि ऊपर जाने की भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही बच्चों के साथ, बच्चे काबू नहीं आएंगे ठीक है ना, हाँ तो फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ऊपर जाने का हिम्मत करेंगे ठीक है जी। ओवरऑल इट वॉज़ अ लवली डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और एक प्यारा सा कॉमेंट जो है वो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। अब मेरे अलग अगले व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा इंशाल्लाह, इन द नेक्स्ट वीडियो आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।